हेलो स्टूडेंट, आज हम वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, आइए देखिए। यहाँ पर तो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो आवेश जहाँ पे अधिक होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक होता है, जहाँ पर आवेश कम होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर हमने एक दो नली ले लिए। यहाँ पर एक नली में हमने ज़्यादा हाइट तक पानी को भरा है, यहाँ पर ज़्यादा पानी है इसमें, और एक नली में पानी का लेवल कम है। तो इसमें ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसमें इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे अधिक होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी अधिक होने के कारण ये निम्न, यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है उधर फ्लो स्टार्ट हो जाता है, अगर इसको हम किसी नली के द्वारा जोड़ देते हैं। तो इसमें से जो जल है इस नली में आएगा, कब तक आएगा? जब तक दोनों की एनर्जी बराबर नहीं हो जाती है। जब दोनों की एनर्जी बराबर हो जाती है तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है, अर्थात दोनों का लेवल इक्वल हो जाता है। तो यहाँ एनर्जी से ही रिलेटिव है ये क्वेश्चन आपका जो पढ़ रहे हैं। आइए देखिए, इसी तरह से हम देखते हैं। एक उच्च ताप तक गर्म की हुई एक बिलयन है, इसमें इस बर्तन में रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जब हम इसे किसी लोहे के धातु यानी धातु के टुकड़े से जब हम किसी दूसरे बर्तन में जोड़ देते हैं, इसमें भी एक सोलूशन लिया गया है, तो इसमें ये देखा जाता है कि इसमें जो ऊष्मा है, ऊष्मा का फ्लो जो है इधर निम्न ताप, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है। और यह क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं हो जाती है। जब दोनों की ऊष्मा बराबर हो जाती है तो यहाँ ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं दोनों वस्तुओं के जब ताप बराबर हो जाते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कोई नली है, अब इतनी बड़ी नली हमने ले लिया है, इस नली में हम जल रखे हैं। अब यहाँ तक ऐसे हाइट उठा दें और नली में जल भरा हुआ है, तो इस तल का जो एनर्जी होगा यहाँ पर वो ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसमें जल का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होने लगता है। सेम ऐसे कंडीशन इधर भी है, अब इसकी एनर्जी अधिक हो गई, अब इसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि इसकी जो स्थिर ऊर्जा है वो बढ़ गई और इसकी स्थिर ऊर्जा घट गई। पृथ्वी से जो हाइट है इसकी वो कम हो गई, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, दोनों बराबर है तो यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब आके देखिए यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है और ए और एक दूसरी वस्तु है बी। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इस पे आवेश की मात्रा अधिक है, आवेश की मात्रा इस पर अधिक है, मात्रा अधिक है, और एक पर आवेश की मात्रा कम है। तो आवेश इस पे क्या है, इस पे आवेश की मात्रा जो है कम है। तो अब यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ द्रव्यमान कहते थे, यहाँ पर इस पर नली में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान इसमें अधिक है, इसमें द्रव्यमान कम है, तो यहाँ द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसकी एनर्जी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर आवेश अधिक होने के कारण इसे हम इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक, तो इसे हम एक नया नाम देंगे यहाँ पर इसे ज्ञात करने के लिए, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक होगी, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी अधिक होने के कारण अगर इसको हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आवेश का जो प्रवाह होगा वो उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होने लगता है। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन यहाँ भी लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आवेश का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसका विभव उच्च होगा, इसका विभव निम्न होगा। जैसे आपने कहा यहाँ पर इसका उच्च ताप है, इसका निम्न ताप है, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यहाँ इस नली में ज़्यादा द्रव्यमान है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है, तो यहाँ ऊर्जा का प्रवाह जो है उच्च ऊर्जा वाली वस्तु से निम्न ऊर्जा वाली वस्तु की में होता है। अब यहाँ पे आवेश की मात्रा है, तो आवेश
तो आवेश को हम विभव कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, ठीक है। किसी तार के द्वारा अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह ए से बी की तरफ होने लगता है, ठीक है। अब आवेश को यहाँ पर हम डिफाइन यानी परिभाषित कैसे करेंगे, इसके लिए आइए देखिए यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कोई आवेश है, इस आवेश को हम यहाँ तक लाए, अनंत से कहाँ तक ले आते हैं, अनंत से कहीं बिंदु ए तक लाया गया, ठीक है। अनंत से कहाँ तक ले आ रहे हैं, बिंदु ए तक। अब बिंदु ए तक हमने किस चार्ज को लाया, यहाँ पर एक चार्ज था, वो चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, अनंत से हमने एक चार्ज ला रहे हैं, और चार्ज वो क्या था, वो चार्ज था क्यू, ठीक है। और क्यू चार्ज लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क मान लेते हैं डब्लू वर्क हमने किया। तो यहाँ पर विभव जो होगा, वैद्युत विभव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पर वी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डब्लू अपान क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ इसे इस तरह, इसका जो फार्मूला होगा, ये वी इक्वल टू डब्लू अपान क्यू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम अनंत से एक चार्ज क्यू लाए बिंदु ए तक, और यहाँ से हमने डब्लू वर्क किया, तो डब्लू वर्क किया, तो यहाँ डब्लू अपान क्यू के रेशियो को हम यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसमें इसका जो डिफिनीशन है वो बनाने के लिए हम इसको मान लेते हैं क्यू बराबर 1 कूलाम, क्योंकि यूनिट क्या होती है, कूलाम होता है, 1 कूलाम। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं अनंत से, ध्यान दीजिए इधर, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक, इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम, ठीक है, जूल बटे कूलाम, या इसको लिखते हैं वोल्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, या इसको वोल्ट लिखते हैं। तो यहाँ हो गया इसका मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पर धन और ऋण दो प्रकार के आयन होते हैं, धन और ऋण दो प्रकार के आयन होते हैं, तो दोनों के प्रवाह के कारण क्या होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है, इसका विभव अधिक है, उच्च विभव, इसको मान लें उच्च विभव का मतलब उच्च विभव, और ये क्या है, ये आपका निम्न विभव है, निम्न विभव, अर्थात ये बी का विभव जो है बहुत कम है। तो हम अगर एक तार के द्वारा जोड़ दें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है, और धन आयन का प्रवाह किधर, तो धन आयन जो होता है, धन आयन मतलब जो धन आयन का फ्लो होगा उसे हम ई प्लस लिखें धन आयन को, तो धन आयन का जो फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो बनेगा वो बी से ए की तरफ होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो दोनों आवेश के कारण जो है धारा का फ्लो होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अगर हम मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में यानी धन आयन है, तो धन आयन अगर यहाँ से ए से बी की तरफ गति करता है, धन आयन किधर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, कौन, धन आयन। और ऋण आयन, ऋण आयन में जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है, तो आवेश प्रवाह दोनों के कारण होता है, इसमें धन और ऋण दोनों में होता है। जैसे कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर, कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री होते हैं वो गति करने के लिए कंडक्टर में, जबकि गैस और लिक्विड में जो होता है उसमें दोनों प्रकार के आयनों के कारण जो है, दोनों प्रकार के आयन गतिमान होते हैं। जैसे आपका होता है जल है, तो मान लेते हैं कोई सोलूशन है, विलयन है, तो इसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आयन गतिमान
होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये चार्ज के फ्लो के कारण होता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर है, आवेश आवेश प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू होता है Q बाई T होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक वस्तु A है और एक वस्तु आपकी B है, तो यहाँ पर इसका विभव अधिक है, तो उच्च विभव पर है ये, उच्च विभव, और ये क्या है, ये जो है निम्न विभव पर रखा गया है, तो निम्न विभव पर रखा गया है, इसका विभव कम है, इसका विभव अधिक है, इसमें चार्ज अधिक है, इसमें चार्ज कम है। तो इसे अगर हम एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तार, तो तार यानी कंडक्टर, तार के द्वारा अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें चार्ज का जो फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होने लगता है, तो आवेश यहाँ से ए से बी में जाने लगते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं, इसी तरह से हम आवेश को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है ये दोनों चार्ज के कारण होता है, जैसे गैसों में है या मान लेते हैं विलयन में है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं जैसे कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ए, अगर ये पॉइंट ए मान लें और ये पॉइंट बी मान लें, तो हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ गति कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो होगा, तो करंट जो है धारा इसमें जो बहेगी वो बी से ए की तरफ होगी। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर बी से ए की तरफ आ रहा है तो धारा भी किधर बहेगी, तो धारा भी इधर बहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, तो इसी में है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं धन पार्टिकल हैं, धन चार्ज हैं, तो धन चार्ज यहाँ से बी में जा रहे हैं, तो धारा किधर बहेगी, तो धारा इसी दिशा में बहेगी, क्योंकि तो पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अगर देख लीजिए इसी में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करता है, ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बी से ए में आएगा तो करंट किधर बहेगी, तो करंट जो है बी की तरफ बहेगी, तो दोनों धारा एक ही दिशा में होती है, तो इस तरह से दोनों धाराएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, धन और ऋण, धन और ऋण, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों प्रकार के अगर चार्ज गति कर रहे हैं तो दोनों के कारण धारा उत्पन्न होती है और वो धारा जुड़ जाती है। ठीक है, क्यों जुड़ जाती है, यही कारण है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा, तो धारा जो होगी उसके जस्ट अपोजिट बहती है, उल्टा, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, उल्टा तुरंत वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज होता है और प्रोटॉन यानी जो पॉजिटिव होता है उस पर धन चार्ज होता है, तो यही कारण है इसमें, तो दोनों धाराएं जुड़ जाती हैं, और दोनों के लिए हम फार्मूला लिखेंगे I बराबर Q बाई T लिखते हैं। ठीक है, ये वैद्युत धारा हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो रखा गया है वो एम्पियर रखा गया है। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं कूलाम, कूलाम बटे सेकेंड लिखते हैं, कूलाम बटे सेकेंड लिखा जाता है। तो इसका जो मात्रक है, ये कौन सी राशि है, तो ये स्केलर है कि वेक्टर, तो इसको हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अदिश राशि है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है करंट का, तो करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आपकी अदिश राशि होती है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। अब देखिए यहाँ पर और भी तमाम फार्मूले होते हैं, तो एक फार्मूला होता है, हमने आपको चार्ज ज्ञात करने के लिए बताए थे, क्यू बराबर एन ई होता है, तो यहाँ पर हमने आई बराबर क्यू, आई बराबर क्यू अपान टी, तो क्यू बराबर यहाँ से लिख सकते हैं आई इंटू टी। अब इन दोनों फार्मूलों को अगर एक साथ लिखें हम, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर आई इंटू टी
इजकल टू एन ई लिख सकते हैं, तो यन बराबर ज्ञात कर सकते हैं आई इंटू टी अपान ई, ये भी एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लें, अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर की धारा फ्लो होने पर कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए।